my channel, I mean coaching center. Today I'm going to explain you what 9th standard Hindi 12th chapter Jaage Grahak Jago Jago Grahak Jago part 2 video. So last video में मैंने यहाँ पे रुका था, गौतम दादा जी से पूछता है, वहाँ पे रुका था। तो चले आगे कंटिन्यू करता हूँ। सायती पूछती है फिर से, दादाजी शिकायत करने से क्या होता है? तो सायती पूछती है, दादाजी अगर हमने उनसे शिकायत की तो क्या होगा? पूछती है। तो दादाजी बोलते हैं, होता क्यों नहीं है, सरकार विक्रेता से उपभोक्ता को हुई हानि पूरी करवाती है, इसमें सामान बदला भी जा सकता है तथा राशि में ब्याज लौटाई जा सकती है। तो दादाजी बोलते हैं, होता क्यों नहीं है, सरकार उपभोगों को हुए हानि को पूरी करवाती है और उनसे जो सामान बदलवा सकते हैं या हम उनसे धन राशि ले सकते हैं, दादाजी बोलते हैं। तो गौतम पूछता है, शिकायत दर्ज कराने के लिए क्या करना होता है? तो गौतम पूछता है दादाजी से, अगर हमें शिकायत दर्ज करना है तो हमें क्या करना चाहिए दादाजी? तो दादाजी बोलते हैं, करना क्या है, पहले संबंधी विभाग जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिक, माप तोल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, थाना या पुलिस चौकी में शिकायत करने चाहिए। उसके बाद उपभोक्ता स्वयं या कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित होकर शिकायत लिखवाए या डाक से शिकायत पत्र भेज दे। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, उस शिकायत के साथ उस वस्तु का बिल अथवा प्रमाण लगाना ज़रूरी है। तो दादाजी बोलते हैं, करना क्या है, तो क्या करना है? दादाजी बोलते हैं, पहले आप अपने संबंधी विभाग जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिक, माम तोल विभाग, स्वास्थ्य विभाग और या पुलिस चौकी में शिकायत करना चाहिए। उसके बाद उपभोक्ता स्वयं या कोई अन्य, तो उसके बाद उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर जो लेता है सामान, वह स्वयं या उसका कोई दोस्त या कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित होकर शिकायत लिखवा सकता है या पत्र भेज सकता है। एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस शिकायत के साथ उस वस्तु का बिल या अथवा प्रमाण पत्र भी लगा कर भेजना चाहिए, बोलते हैं दादाजी। तो साहिती फिर पूछती है, क्यों दादाजी, बिना प्रमाण के शिकायत दर्ज नहीं होगी? तो वो साहिती पूछती है, क्यों दादाजी, बिना प्रमाण पत्र के शिकायत दर्ज नहीं होती है क्या? तो दादाजी बोलते हैं, हाँ बेटी तुमने सही कहा, जागरूक उपभोक्ता वह हो जो सामान खरीदते या सेवा प्राप्त करते समय रसीद या बिल ले, वस्तुओं के पैकेट पर लिखे विवरण ध्यान से पढ़े, हमें यहाँ भी ध्यान रखना। तो और ध्यान से पढ़ो, हमें यही भी ध्यान रखना चाहिए कि ISI या एक मार्क अंकित वस्तुओं का चुनाव करें। ये एक मार्क, तो इसका मार्क चुनना चाहिए और ये चिन्ह सरकार द्वारा जांच पर की वस्तुओं पर ही लगाते हैं। तो दादाजी बोलते हैं, हाँ बेटा तुम्हें सही कहा, जागरूक उपभोक्ता को वह हो जो सामान खरीदते या सेवा प्राप्त करते समय रसीद या बिल ले,
वस्तुओं के पैकेट पर लिखे गए, सो दादाजी बोलते वस्तुओं के पैकेट पर लिखे गए ध्यान से पढ़े, उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि उसके ऊपर ISI या एक मार्क अंकित वस्तुओं का चुनाव करना चाहिए। यह मार्क सतर्क करता है सरकार के द्वारा प्रमाणित हुआ होता है या ये चिन्ह सरकार द्वारा जांची जो सरकार द्वारा जांची या देखी गई वस्तुओं पर ही लगाते हैं। तो साहित्य पूछते आखिर में, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी दादाजी। तो साहित्य कहते आपने बहुत अच्छी जानकारी दी दादाजी। तो दादाजी बोलते तुम यह भी जान लो कि सुरक्षा सूचना वस्तुओं का चुनाव सुविधा ना मिलने पर सुनवाई क्षतिपूर्ति तथा अधिकारों के लिए जागरूक शिक्षक होना हर उपभोक्ता का कर्तव्य एवं अधिकार है। तो दादाजी आखिर में बोलते हैं तुम यह भी जान लो कि सुरक्षित सूचना वस्तुओं का चुनाव करना या सुविधाओं ने मिलने पर सुनवाई सुविधाओं नहीं मिले तो सुनवाई करवाना या क्षतिपूर्ति तथा अधिकारों के लिए जागरूक शिक्षा होनी चाहिए। होने पर हर उपभोग का कर्तव्य है कि वहाँ एवं अधिकार उसका एवं अधिकार है। तो गौतम आखिर में पूछता है हाँ दादाजी, इस पीले कागज पर भी तो उपभोक्ता की अधिक छपे है। तो गौतम बोलता हाँ दादाजी, वो बोलता हाँ दादाजी, इस पीले कागज पर भी उपभोक्ता के अधिक छपे है। बोलता है दादाजी देखो पढ़ो क्या लिखा है, अच्छी वस्तु उचित दाम उपभोग संरक्षण का पैगाम। तो दादाजी बोलते हैं देखो पढ़ो क्या लिखा है, इसमें अच्छी वस्तु उचित दाम या उपभोग संरक्षण का पैगाम दिया है। तो यह था आपका चैप्टर जागो ग्राहक जागो। समझ में आ गए होगा मैं ऐसे समझता हूँ। पसंद आए तो लाइक करना, कैसा लगा कमेंट करना, और कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, और वीडियोस के लिए मेरे चैनल में कुछ इंसाइडर को सब्सक्राइब करना। सो ओके फ्रेंड्स, बाय, सी यू, टेक केयर। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स, एंड डोंट, और इस वीडियो को सिर्फ तेलुगु मीडियम के स्टूडेंट्स वॉच करना और किसी मीडियम के स्टूडेंट्स वॉच मत करना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।